जब मैं कॉलेज में था अपने ग्रेजुएशन टाइम पे, 6 महीने के लिए मैं कॉलेज नहीं गया था। घर आके पिलो के नीचे मैं रोता था क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा शर्म आती थी, मेरे चेहरे पे इतने ज्यादा पिंपल्स दाने हो गए थे ना, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। उसके बाद मैं मास्क लगा के कॉलेज में घूमता था कि कोई मुझे देख ना ले, फेयरवेल में जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, पार्टी में जाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस कम हो गया था। पर मैं अपनी जिंदगी की वो चीज आपको बताने जा रहा हूँ जो एक चीज मुझे पता लगी। मैं बता रहा हूँ लाइफ टाइम आपको पिंपल्स नहीं हो सकते। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख ली, इस वीडियो में बताऊंगा वो छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं फेस पर, पिंपल्स के बाद वाले निशान वो भी चले जाएंगे, क्यों होते हैं हमें पिंपल्स, क्या चीज हमें खानी चाहिए जो जिंदगी भर पिंपल्स ना हो, क्या चीज हमें फेस पे लगानी चाहिए, और फेस मैप के बारे में। हाँ जी, चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं, यहाँ पे निकले यहाँ पे, तो क्यों निकल रहे हैं, क्या रीजन है, हमारी बॉडी क्या संकेत दे रही है, तो ये वीडियो बताने वाला हूँ मैं। लास्ट तक देखते रहना, जिंदगी बदलने वाली है आपकी। अब मुझे यहाँ पे पिंपल हुआ, मैंने फोड़ने की कोशिश करी, उसके बाद बैक्टीरिया था जो उसका, वो इधर उधर भी लगा और ज्यादा पिंपल्स, उसके भाई बहन और आ गए। अब भाई साहब निशान भी रह जाएगा 7-8 महीने तक, तो आपको ऐसे फोड़ना नहीं है ऐसे करके। आपको जब तो लगता है कि मैंने हटा दिया, पर वो हटता नहीं है, बहुत इन्फेक्शन फैलाता है, वो निशान भी रह जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको पिंपल्स किस वजह से होते हैं, देसी भाषा में फटाफट बता देता हूँ। देखिए, जब हमारा जवानी का टाइम चल रहा होता है ना, टीनेजर टाइम चल रहा होता है हमारा, तो छोटे छोटे से ना चेहरे पे हमारे पोर्स हैं, छोटे छोटे से गड्ढे हैं, ठीक है। किसी किसी के ओपन पोर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, किसी किसी छोटे छोटे दिखाई नहीं देते हैं। तो सेबेक्शियस ग्लैंड नाम की एक चीज है हमारी बॉडी में, वो ना सीबम प्रोडक्शन ज्यादा कर देती है टीनेजर के टाइम पे, जवानी के टाइम पे। और उसके बाद जैसे सीबम एक तरीके का ऑयल है, जैसे वो निकलता है उन छेद के बाहर, तो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में आता है वो, और साथ साथ डर्ट के कॉन्टेक्ट में आता है, तो एक पिंपल बहुत मस्त पकौड़ा लाल रंग का आपके चेहरे पर आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं अब इसे सही कैसे करेंगे। आपने कभी सोचा ये जो तकिया है, पिलो है, ये आपका जानी दुश्मन हो सकता है, इसकी वजह से आपको पिंपल्स निकल सकते हैं? हाँ जी, इस पे ना पता है बहुत ज्यादा गंदगी डर्ट वगैरह होते हैं, आप अपना गाल रख के ऐसे सो जाते हो बड़े टेंशन फ्री। ये ना बहुत ज्यादा पिंपल्स निकालने का सबसे बड़ा कारण होता है आपका, तो हफ्ते में 2 से 3 बार ही धोना। ये जो हमारा टॉवल होता है जिससे नहाते हैं वो भी क्लीन रखना है आपको अच्छे से, साथ में जो हैंकी वगैरह होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। स्ट्रेस, हाँ जी, टेंशन जितने ज्यादा लेते हो बहुत बड़ा फैक्टर होता है टेंशन हमारे पिंपल्स निकलने का। ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे शरीर के अंदर, बार बार अपने चेहरे को भी जो आप छूते हो ना वो भी बहुत ज्यादा गलत है। आपके चेहरे पे डर्ट है, गंदगी है, आप ऐसे लगा लेते हो, पसीना साफ करते हो, है ना, इसी वजह से भी आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप बहुत ज्यादा जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, पसीने आते हैं, उसके बाद आपको फेस वॉश करना बहुत जरूरी है, नहा लीजिए, क्योंकि पसीनों में गंदगी होती है और वो ना पिंपल्स का रूप धारण कर लेगी। फिर लड़कियां मेकअप करती है तो लाइट मेकअप का यूज करिए, नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप प्रोडक्ट्स लीजिए, और अपने चेहरे को धोइए रात को सोने से पहले। जितना ज्यादा ऑयली फूड आप खाओगे, जितना ज्यादा ऑयल अंदर आएगा उतना आपके चेहरे से बाहर आएगा, फिर पिंपल्स निकलेंगे। जो 11 से 3 बजे का टाइम होता है, धूप ना बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से होती है जब आप बाहर निकलते हो, तो हमारी त्वचा के लिए, स्किन के लिए बहुत ही गलत रहता है उस टाइम। तो अगर आपको बाहर निकलना है तो अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाइए, वरना कैप, वरना अवॉइड करिए, यूवी रेज आपकी स्किन को खराब कर सकती है। फर्स्ट स्टेप है स्टीमिंग, आपको गैस पे पानी गर्म करना है, उसमें से भाप निकली के अपने चेहरे पे लेना, उसमें नींबू भी डालना पानी के अंदर। अब जैसे भाप लोगे आप 5 मिनट के लिए लेना, पोर्स खुल जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे आगे के फेस पैक जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप के 5 मिनट बाद दूसरा स्टेप है क्लींजिंग, कच्चा दूध लीजिए, कॉटन की मदद से अपने चेहरे पे लगाना है, 5 मिनट तक लगाते रहिए, मसाज करिए अच्छे से सर्कुलर मोशन में, 20 मिनट बाद धो देना है। जो कच्चा दूध है, रॉ मिल्क है, हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के, और प्रोटीन भी होता है इसके अंदर। हाइड्रेटिंग एजेंट है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, एक्सफोलिएटिंग करता है, मतलब डेड सेल्स है जो वो रिमूव करता है। 1 चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है, 2 चम्मच लेना है आपको गुलाब जल, 1 चम्मच चाहिए आपको शहद, 1/2 चम्मच चाहिए आपको हल्दी, और इसे अच्छे से मिक्स करिए। ईयरबड की हेल्प से जहाँ जहाँ पिंपल है वहाँ पे डिप डिप करके लगा लेना है, 15 मिनट बाद धो देना है। जो मुल्तानी मिट्टी है वो ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी की तरह काम करती है हमारे चेहरे पे, सारा का सारा तेल हमारा सोख लेती है चेहरे का, जिससे पिंपल्स ना सूखने लग जाते हैं और कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है चेहरे को बहुत ज़्यादा। हल्दी जो होती है वो हमारे चेहरे के दाग धब्बों को कम करने में मदद करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, बहुत पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से चेहरे के लिए यूज करता है हल्दी। शहद हमारी त्वचा पे मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और चेहरे पे अलग ही रंगत ग्लो लाता है। जो रोज वाटर है वो
हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को, बैलेंस करता है हमारे स्किन के पीएच लेवल को। एक चम्मच कुमकुम आदि तेलम लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। और एलोवेरा जेल लीजिएगा, प्लांट में से बीच में से निकाल के मिक्स करना। एशियन टाइम से, बहुत पुराने टाइम से स्किन के लिए यूज करते हैं। पंसारी शॉप से आपको कुमकुम आदि तेलम मिल जाएगा, रात को चेहरे पे लगा के आप इसे सो जाइए और सुबह रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छा होगा। एक थ्योरी और एक रिसर्च के हिसाब से हमारे फेस मैप, हमारे चेहरे से पता लग जाता है कि हमारे पिंपल्स जो हो रहे हैं वो किस कारण की वजह से हो रहे हैं, हमारा शरीर क्या संकेत दे रहा है। अगर ठुड्डी पे, चिन पे हो रहे हैं, इसका मतलब हार्मोनल चेंजेस है और टेंशन आप बहुत ज्यादा ले रहे हो। अगर गाल पे, चीक्स पे हो रहे हैं तो आपका पेट खराब है या एलर्जी है आपको। अगर आपकी नोज पे हो रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई है। अगर आपकी आईब्रोज पे हो रहे हैं अगल बगल में तो लीवर की दिक्कत हो सकती है, लीवर पे लोड पड़ रहा है कुछ, आप ऐसा खा रहे हो या दिखाना डॉक्टर को जरूर। अगर माथे पे निकल रहे हैं आपके तो आपका पुअर डाइजेशन है, बिल्कुल पेट आपका खराब हो रखा है और आपको नींद भी आप अच्छे से नहीं ले रहे हो। अब बाहर से तो हमने अपने पिंपल सही कर लिए, पर अंदरूनी इंटरनली भी, अब तो शरीर में से भी तो इन्हें सही करना पड़ेगा कि फ्यूचर में कभी ना निकले। तो ध्यान से सुनिएगा, 4 से 5 लीटर आपको पानी पीना है, अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर, नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी। और ये जो फोन इतना वगैरह चलाते हो ना, रात को टाइम पे सो जाएगा। हाई फाइबर वाले फूड आपको खाना है जिससे टॉक्सिन्स ना फ्लश हो जाए, गंदे जो टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर में से। हाई फाइबर वाले फूड क्या क्या होते हैं, होल व्हीट होते हैं, छोले होते हैं, ओट्स होते हैं, स्वीट पोटैटो होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, पॉपकॉर्न भी होते हैं, वो भी खा सकते हो। जिंक, जो जिंक हो जिन फूड के अंदर, जो उन चीजों के अंदर, वो आपको ज्यादा लेनी है। अंडे हो गए, डार्क चॉकलेट हो गई, पम्पकिन सीड्स हो गई, काजू हो गई, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, नट्स सारे हो गए, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ई, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको ज्यादा खानी है। आप फेस वॉश करें तो सुबह उठते ही करना और रात को सोने से पहले करना है, और सर्कुलर मोशन में करना है, आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, चेहरे का डेड सेल्स निकल जाएंगे, और केमिकल फ्री आपको फेस वॉश यूज करना है, याद रखें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए वो तो आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अच्छी लगी हो तो, और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टॉपिक बताना, कौन से टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होते हैं, आपको कुछ भी मुझसे बात करनी है वहाँ पे जरूर आइएगा।